Hey, what's up guys? This is Mirya Mindrana. Welcome back to my channel. आज हम सीखने वाले हैं 360 twist और उसके बहुत सारे variation. इसके लिए हम दो method use करने वाले हैं guys. और बताए गए तरीके से इन method को practice करने से आप बहुत जल्दी 360 twist और उसके बहुत सारे variation जल्दी से सीख जाएंगे. उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है और बताए गए पॉइंट्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हम फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, अगर आपको 360 ट्विस्ट कॉन्फिडेंटली करना है तो सबसे पहले आपको बैक हैंड स्प्रिंग और बैक फ्लिप आना चाहिए. अगर आपको ये दोनों चीज़ आते हैं तो आप रेडी हैं 360 ट्विस्ट सीखने के लिए. यहाँ पर हम तीन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं. नंबर एक जंपिंग पावर, नंबर दो आर्म स्विंग एंड नंबर थ्री रोटेशन, जो कि आपको 360 ट्विस्ट जल्दी से सीखने में मदद करेगी. तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं. तो दोस्तों, सबसे पहले हम बैक हैंड स्प्रिंग और बैक फ्लिप की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपकी जंपिंग पावर और रोटेशन इम्प्रूव हो. उसके बाद हम स्टैंडिंग जंप करेंगे, साथ ही साथ आर्म स्विंग की प्रैक्टिस भी करेंगे. यहाँ पर अभी हम स्पॉट जंप एंड स्टैंडिंग ट्विस्ट की प्रैक्टिस करेंगे. तो ध्यान से देखें, हाथों का स्विंग और कट, हाथों का स्विंग एंड कट करके पूरा आपने एक राउंड 360 ट्विस्ट कंप्लीट करना है. यहाँ पर अभी हम बॉडी की पोस्चर को स्टैंडिंग रखेंगे, यानी सीधा रखेंगे, जिससे आपको ट्विस्टिंग मूवमेंट का पता चल सके. स्टैंडिंग में कॉन्फिडेंस होने के बाद साइड में जंप करते हुए ट्विस्ट मूवमेंट कंप्लीट करेंगे. तो ध्यान से देखें, यहाँ पर अभी बॉडी को सीधा ही रखें, बट जंप आपने साइड में करना है. धीरे धीरे हम इसी जंप को बी ट्विस्ट में कन्वर्ट करेंगे. तो ध्यान से देखें, अभी स्टैंडिंग प्रैक्टिस करना है, दोनों हाथों का ट्विस्टिंग मूवमेंट और जंप साइड में करते हुए पूरा रोटेशन कंप्लीट करना है. यानी 360 पूरा ट्विस्टिंग मूवमेंट करते हुए आपने रोटेशन को कंप्लीट करना है. इस तरह से आप हाइट से सॉफ्ट लैंडिंग पिट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर कोई ढलान वाली जगह में ऊपर से नीचे की तरफ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको रोटेशन के लिए टाइम मिल जाए और इंजरी भी ना हो. अब आपने इसी मूवमेंट को बी ट्विस्ट में कन्वर्ट करना है. यहाँ पर बॉडी पोस्चर थोड़ा सा नीचे रखते हुए ऊपर की तरफ जंप करें, बॉडी को थोड़ा सा ग्राउंड के पैरेलल रखने की कोशिश करें. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका बी ट्विस्ट का जो मूवमेंट है वो अच्छा आने लग जाएगा. इस तरह से आप हाइट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको लैंडिंग के लिए टाइम मिल जाए और आपका मूवमेंट कंप्लीट हो जाए. तो दोस्तों, एक बार अगर आप बी ट्विस्ट में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो उसके बाद आपने बॉडी, अभी तक हम क्या लेके जा रहे थे, साइड में लेके जा रहे थे बॉडी को ट्विस्टिंग मूवमेंट करके. अभी आपने कॉन्फिडेंट होने के बाद पीछे की तरफ 360 ट्विस्ट के लिए लेके जाना है. ये हम साइड में इसलिए कर रहे थे गाइस ताकि आपको सेफली ट्विस्टिंग मूवमेंट का पता चल सके, आपको बिना इंजरी के ये ट्विस्टिंग मूवमेंट का पता चल सके. एक बार आप ट्विस्टिंग मूवमेंट पूरा अच्छी तरह से या पूरा 360 ट्विस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपने पीछे की तरफ जाना है. तो पीछे की तरफ किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो ध्यान से देखें. तो गाइस, ट्विस्टिंग मूवमेंट करते समय एक चीज का ध्यान रखना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको 360 जल्दी से सीखने में मदद करेगा. यहाँ पर अपने हाथों का स्विंग पूरा पीछे लेके जाएं और आपका फेस इस तरह से पीछे सामने की तरफ होना चाहिए. एंड देन आपने जंप करते हुए हाथों को अंदर की तरफ कट करना है. ध्यान से देखें, ये पूरा मूवमेंट, पूरा स्विंग पीछे देखना है, तब तक जंप ना करें. अगर आप जल्दी जंप कर देते हैं गाइस तो आपकी बॉडी हाफ रोटेशन होगी और वहीं पर स्टॉप हो जाएगी. इसलिए पहले पूरा स्विंग लेके जाएं, पीछे देखें, पीछे देखने के बाद जब हाथों को कट करते हैं अंदर की तरफ, उस समय आपने जंप करना है और पूरा स्विंग मूवमेंट कंप्लीट करना है. तो ध्यान से देखें एक बार इस तरह से पूरा मूवमेंट, रेडी. तो गाइस, इस तरह से आपने पूरा मूवमेंट को कंप्लीट करना है. तो जंप से पहले पूरा हाथों का स्विंग लेके जाएं और पीछे की तरफ देखें, उसके बाद जंप करते हुए ट्विस्टिंग मूवमेंट को कंप्लीट करें. स्टार्टिंग में हो सकता है गाइस आपका जो मूवमेंट है जंपिंग पावर की कमी से या फिर बॉडी कोऑर्डिनेशन की कमी से नीचे गिर सकता है, लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से आपकी लैंडिंग आनी शुरू हो जाएगी. और स्टार्टिंग में आपने सॉफ्ट लैंडिंग पिट में प्रैक्टिस करना है गाइस, या फिर ढलान वाली जगह में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट परफेक्ट हो. रोटेशन को परफेक्ट करने के लिए इस तरह से हाइट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. कंटिन्यू इस तरह से हाइट से प्रैक्टिस करने से आपकी रोटेशन इम्प्रूव हो जाएगी. उसके बाद आप प्लेन सरफेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं. और ध्यान से देखें गाइस, इसके बाद आप बहुत सारे इसके वेरिएशन सीख सकते हैं. जो ट्विस्टिंग मूवमेंट एक बार आपको आ गया तो उसके बाद बहुत सारे
ट्विस्टिंग के वेरिएशन आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम सेकेंड मेथड जो कि मैट के साथ प्रैक्टिस करते हैं। गाइस अगर आपके पास मैट है, इस तरह से हाइट मैट है, तो उसके फॉर्म मैट है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरह से हाइट मैट है तो कुछ दिन कंटिन्यू इस तरह से रोटेशन की प्रैक्टिस करें, जंप के बाद रोटेशन की प्रैक्टिस करें, हाथों का स्विंग एंड जंप, देन फुल रोटेशन की प्रैक्टिस करें। जब आपकी रोटेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप हाइट में यानी मैट के ऊपर जाने की कोशिश करें। यहाँ पर आपने जितना हो सकता है जंप करना है एंड फुल रोटेशन की प्रैक्टिस करनी है। एक बार कॉन्फिडेंस होने के बाद इस तरह से हाइट से प्लेन सरफेस में करने की कोशिश करें, यानी प्लेन मैट के ऊपर लैंडिंग करने की कोशिश करें, यानी प्लेन सरफेस में लैंडिंग करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी हाइट इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हाइट प्लस रोटेशन दोनों इंप्रूव हो जाएगी, और उसके बाद इस तरह से आपकी लैंडिंग आने के बाद जमीन में प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। आप ध्यान रहे गाइस, जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते तब तक इस तरह से जमीन में ना आए। कॉन्फिडेंस होने के बाद ही आप जमीन में प्रैक्टिस स्टार्ट कर, एक बार कॉन्फिडेंस होने के बाद आप इसको कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आप इन दोनों मेथड का जल्दी से प्रैक्टिस करें और 360 ट्विस्ट उसके बहुत सारे वेरिएशन सीख जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। गाइज लिंक दे रहा हूँ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हम फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।